हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु ऋषिकेशं तदा वाक्य मृदमाहमहीपते अलुवत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य मास्मेन्द्रणसमुद्य मे योत्स्यमानानवेक्षेयम् य एते स्वसमागता धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रियसि कीर्षव सन्निवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो पुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्माद्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति तत्त्वापश्यस्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् सदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय
सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो पिशीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनवाच देष्टेमं स्वजनं कृष्ण योयोत्सं समुपस्थितम् सीदान्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेपथोस्त शरीरे मे रोमहर्षस्त जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं दमतीव च मे मन गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्तैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं दमतीव च मे मन वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद राम धाम वृंदावन में हुआ। राम 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 राम। ये ज्ञान सबको है कि ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा, ये काल नहीं रहेगा, ये संयोग नहीं रहेगा, ये ज्ञान है। इस ज्ञान का आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते, इसलिए चेत करना चाहिए कि इस अनुभव को आदर दो। जो नहीं रहने वाला है उस पर विश्वास कर दे तो ये रहेगा,
ऐसे ही बने रहेगा, कैसे होगा? ये विश्वास करने लायक परमात्मा है और विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि विश्वास तो उसका करे वो है ठीक रहे, अब नहीं रहना उसको क्या विश्वास करे? इसको श्वास को मूड का विश्वास कहा, पल आवत ही रह जाता है। श्वास को मूड विश्वास कहा, पल आवत ही रह जाता है। सब की पैगंबर खाकर मेरे फिर का अनुमान फूला होता है, तुझे भरोसा नहीं है। इसे काम दे दो अपने, जैसे जड़ आता है तो शहरा में कभी कभी ऐसा प्रबंध होता है कि इतने से इतने बजे तक कल खुली रहेगी, अब सर भरना तो भर लेना है, फिर बंद हो जाएगा, फिर बंद कर देते हैं। तो जब तक जल खुला रहे तब तक अपने घर में जल लेना ले जाना चाहिए, जितना ले सको। बंद होने पर बात थोड़ी मिलेगा, वहां बंद हो गया। ऐसे ही जब तक श्वास है परिस्थिति ठीक है। यावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम यावत दूरी जरा, श्वास ठीक है, वृद्धावस्था दूर दूर है, कोई रोग आया नहीं है, इंद्रियों की शक्ति है, आयु क्षय नहीं हुई है, तभी तक अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो कल्याण करना ये खास अभी अवसर है, अभी रुपया कमाना लगना है, भोग भोगना है, संसार के भोगों को देखना है, सैर करना, ये समय नहीं है। अभी समय है थोड़ा, और संसार देखना बहुत है, अब कहाँ तक देखोगे, कितना देखोगे? अरे भोग भोगने के तरह तरह के भोग है, कहाँ तक भोग भोगोगे? दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे, ये सही नहीं रहेगा, ये जाएगा, ये तो यही पड़ा रहेगा, देखता रहो मरते जाओ, सही उम्र समाप्त हो जाएगी ना, तो चेत कब करोगे, कब होश आएगी जिसमें अपना पर्दों का कार्य अपने बना ले, फिर क्या करोगे? शुभ से शीघ्र शुभ काम करना हो जल्दी करो, सबसे पहले ये काम करो, जो खास करना है ये मौका भी मिला हुआ है, और ये चूक जाएगा तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा। संसार की भोग मिल जाएंगे, शरीर मिल जाएगा, कुटुंब मिल जाएगा, नींद आ जाएगी, आराम मिल जाएगा, भोग मिल जाएगी, ये तो मिलेंगे, परंतु मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे ही सत्संग है, संत महात्माओं का संग है, इससे जो लाभ ले जाना चाहिए वो ले जाना चाहिए जल्दी। हम पहले ही पैर गोल बोल गए, तुम्हारा मन बहुत बार आई बात है, पैसे जी है, भाई जी है, इनसे कोई लाभ लेना भी लेना चाहिए, क्यों नहीं बात? क्योंकि हरदम हम थोड़े ही यहाँ रहेंगे, हरदम मेरे का संग थोड़े ही रहेगा, आज देखो तो कोई का संग नहीं, भाई जी का ना संग है ना सेठ जी का है, तो इसे लेना है वो ले लेना चाहिए पहले, पता नहीं कब छूट जाए, कब वियोग हो जाए, और वियोग होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संशय नहीं है। अभी जो संयोग है अपना, ये बना रहेगा, ये बिल्कुल नहीं रहेगा, बना रहेगा निसंदेह नहीं है, ये जरूर वियोग होगा, ये निसंदेह बात है, इसमें संदेह नहीं है। तो जब तक साथ में तब तक उसे लाभ ले लो, जो लेना है सो, और जगह नहीं मिलता यहाँ मिलता है, ये मेरी मनाही थी, वहां पहली पैर फूल गए तो ये मन में आई कि ऐसा मौका हर एक जगह नहीं मिलता है, अभी मिलता है इसमें ले लो। तो ऐसे मनुष्य शरीर है, सत्संग है, अच्छे पुरुषों का संग है, उसे जो लाभ लेना हो वो जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। पता नहीं शरीरों का पता नहीं, संयोग का पता नहीं, परिस्थिति का पता नहीं, देश का पता नहीं, समय का पता नहीं, स्वास्थ्य का पता नहीं, जीने का पता नहीं,
वो जोखिम की बात है ना। तूर हम ये न पसेदन मृत्यु आवत, भागवत में आया है जब तक मौत नहीं आवे तब तक जल्दी से जल्दी यत्न करना चाहिए। बढ़िया घुसर होता शायद बीजे तो सब्जी में मिलेंगे, बहुत सब्जी मिलेगा, कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष इनमें सब मिलता, सुख दुख बरसा आता ही है, इसमें कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं है, इसकी खास जरूरत नहीं है इतनी, इसमें तो निर्वाह हो सके जगह वहां पर ठीक तरह से काम कर सके, ऐसा निर्वाह सही कर लेना चाहिए। खाना पीना सर्दी गर्मी आदि से बस इतना ही काम, क्या जची आप गई चेत करना चाहिए, इसमें समय है वो थोड़ा, काम है बहुत, संसार कोई पड़ा पार नहीं है, अनंत पारंग के शुभ शास्त्र सर्वम तथा और भवस्य विघ्नः, सास भी बहुत है, कितना कितना पढ़ोगे, जो अपना ठीक तरह से ज्ञान हो जाए परमात्मा सत्व प्राप्ति में जितनी सहायता हो जाए वो काम ले लो जल्दी। विघ्न बहुत आते हैं, अल्प आयु अब थोड़ी रह गई है, बहुत से चली गई है, वो रही हुई भी जा रही है तेजी से, मौत तेजी से आ रही है, इसमें संदेह नहीं है। जितना समय हमारा अभी आया, मैं आप लोग हम लोग बैठे आकर के, उस समय जितना समय था इतनी अब उम्र नहीं है, उस खास उम्र जीने के दिन में से इतने मिनट निकल गए हैं, उसी में से कर सुबह है, जिस वक्त जीते हैं अब जिसके भरोसे उतना समय बीत गया है और वो बीता चला जा रहा है। बुद्धिमान वही पुरुष है जो अपना बचा हुआ समय सबका सब अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगा ले। देखो धन के लिए तो आपको चिंता होती विचार आता है भाई निरंतर नष्ट न हो जाए, आना ही चाहिए बात ठीक योग्य है, उससे भी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए उम्र की समय की। धन तो पैदा भी हो जाता है खर्च भी हो जाता है, खर्च हो जाता है पैदा भी हो जाता है, पर समय तो खर्च ही खर्च होता है पैदा होता ही नहीं, इस ख्याल है ना आपको, धन खर्च हो जाता है तो पैदा भी होता है, पैदा होता है खर्च भी होता है, तो उसकी भी निगाह रखनी चाहिए निरसक नष्ट न हो जाए, फालतू समय खा दिए रुपया खर्च न हो जाए, ख्याल रखना, उससे भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए उम्र का, क्योंकि तो पैदा होने दोनों होता है, बेटा पैदा हो जाए मजा दोनों होते हैं, पर समय तो खर्च ही खर्च होता है, उम्र तो खर्च ही खर्च होती है, पैदा होती ही नहीं, नहीं नहीं अगर पैदा होती है तो मरे क्यों आदमी, और ले ले हाथ की बात नहीं है, रुपया आप कमाना भी हाथ की बात नहीं है, पर फिर भी गुंजाइश तो है ना, इसमें गुंजाइश नहीं है, समय जा रहा तेजी से, तो अच्छे से अच्छे काम में उत्तम से उत्तम काम में लगा लो और आत्मा की उन्नति कर लो। उन्नति करने से विवेक से बहुत बड़ा लाभ होता है, हमने तो ऐसा देखा है भाई, बहुत लाभ होता है, गीता आदि ग्रंथों से अच्छे संतों के संग से बहुत लाभ होता है, सावधान होकर अधिक ले लो, निगम ले जाए तो कम ले लो, समय तो चला जाएगा, ऐसे योग हो ही जाएगा, बदल जाएगा, लाभ बन से रह जाएगा तो हम खाली रह जाएंगे, मनुष्य शरीर मिला है इसकी कीमत बहुत है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, आदि मनुष्य शरीर है ये बहुत दुर्लभ है और अभी मिला हुआ है सुलभ है, अभी तो सुलभ है मिला हुआ है, अच्छा संग मिला हुआ है, भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अपना परिचय है तो उसका ज्यादा लाभ ले लो, अधिक से अधिक लाभ ले लो, समय के लिए कृपण बन जाओ, कंजूस बन जाओ, रुपये के लिए उदार बनो, कंजूस मत बनो, समय के लिए तो बहुत कंजूस बन जाना चाहिए, एक एक मिनट भी सोच सोच समझ समझ खर्च करना चाहिए,
देखो अभी एक कल्पना करो कि हमने एक मोटर किराए की है, उस किराए की मोटर पर हम चले हुए हैं और वो चलती है, ऐसा हमने मोटर आ गई अथवा सज्जन आ गए, उससे बात करनी है खास जरूरी, तो उस मोटर को बैठा दो भाई बात करना भी, तो वो बात करेंगे तो हरदम ख्याल रहेगा भाई जल्दी करो नहीं तो मिनट दो मिनट में पैसा खर्च हो रहा है। वो तो कहता है इतना समय आपको देते हैं, इतने समय घंटा में एक रुपया दो रुपया लगेगा, जो जूस लगेगा इतना लगेगा। अब उसमें फालतू समय बात करेंगे फालतू बात सावधानी रहेगी, फालतू समय भाई रुपया लगता है ना, पैसे लगते हैं, इस बार थोड़े में बात करके ऐसे ऐसे अब चलो भाई जल्द जल्द यूं कर देगा अच्छे चलते बात कर लेंगे। चलो तो पैसे के खर्च होने पर तो इतनी सावधानी रहती है, पर तो समय खर्च होना इस पर विचार नहीं करो, ताश खेलने लगे, चौपड़ खेलने लगे, हवाई जहाज देखने लगे, इधर उधर बात में लगे, देखने लगे, अरे कर क्या रहे हो, समय खर्च हो रहा है, समय खर्च होने मरना पड़ेगा, रुपया खर्च होने मरेगा नहीं आदमी, रुपया खर्च होने पर मरेगा नहीं, और समय खर्च होने पर जी से नहीं सकता, मरना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, वो समय खर्च हो रहा है ना, इसका समय पाल दूंगा हमारे पास खर्च कर दे, इसमें हमें तो आती है बात कई बार याद आती है, थोड़े से समय होने में खर्च उनको देखता ऐसे कर दो, इसमें खर्च क्यों किया इतना, तो सावधानी रखो आप, एक सावधानी साधना है, आध्यात्म उन्नति होगी, शरीर की उन्नति होगी, व्यवहार की उन्नति होगी, सब तरह का लाभ होगा, समय का ख्याल रखने पर लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे, लौकिक कार्य भी सुधरेगा, सावधानी रखो, सत्संग से अगर ये बात नहीं सीखी तो और कहाँ मिलेगी, ये तो पाठशाला है, इसमें तो ये पढ़ाई होती है, और पढ़ाई कहाँ होती है, इस बात से बड़ी सावधानी से आज ही इस बात विचार कर दिया कि हमने समय को सोच सोच कर लगाना है, पैसा तो देखो तिजोरी में बंद भी हो जाता है, खर्च करेंगे तो होगा नहीं होगा, ये उम्र बंद नहीं होती है, ये तो खर्च ही हो रही है, आप बैठो तो उठो तो चलो तो फिरो तो खाओ तो पियो तो जगो तो सो तो, ये तो खर्च हो रही है, ठीक है बंद नहीं होती, तो हरदम सावधान रहो, पैसे में इतने सावधानी की जरूरत नहीं है जितना सावधानी की जरूरत है उम्र में, ये ख्याल मसी समझवासी एक नहीं, तो ये बात अपने सीख लो, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में समय लगाओ, उत्तम काम क्या है कि यहाँ का अगर मरने के बाद का अपने सुख हो, बाद का समय सार्थक हो और हमारे लिए औरों के लिए फायदा हो, हमारे लाभ हो औरों को भी लाभ हो, और अभी भी लाभ हो भविष्य में भी लाभ हो, ऐसा काम करो, नुकसान हो काम क्यों करो, काम क्रोध लोभ मोह में फंस कर काम करोगे तो अभी का बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा, दोनों बिगड़ेगा नहीं, अच्छे काम करो शांति से भगवान के भजन स्मरण करो, पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो, नाम जप करो कीर्तन करो, सत्संग की बात पूछना तो पूछो, उनमें समय लगाओ बना, तो अच्छे से अच्छे काम में समय लगाओ, सिर से समय चला गया सो परत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी बचता है, फिर परलोक में रोग आया चिंता होगी, जैसे बचपन में अध्ययन नहीं किया, बड़ा होने पर जो काम पड़ेगा तो हम तो पढ़े नहीं, पढ़ते जैसे क्यों होता, हम भी पढ़े लिखे रहते
कड़ी बात समझ लेते, पढ़ लेते, पर पढ़ाई कही नहीं। अब वो बालकपना का जो समय मिलता था उस समय अब नहीं मिलता। अब घर भार, घर भार आ गया, गृहस्थ का भार आ गया, सब काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। बालकपन में कोई कमाने की जरूरत नहीं, खेलते थे ऐसे ही, उस समय कोई चिंता नहीं, जिम्मेवारी भी नहीं। उसमें पढ़ने की बात थे तो पढ़ाई करनी थी, मौका है ये तो, पढ़ाई करने का मौका बाल्य अवस्था में है। ऐसे ही पढ़ाई अध्यात्म विद्या का मौका इस मनुष्य शरीर में है, और शरीरों में ये मौका नहीं है, देवाधिक शरीरों में भी नहीं है। देव है, देव तो जो भी सुख भोग के लिए है, नरक है वो दुख भोगने के लिए है, वे भोगियों नहीं है, कर्मियों तो यही है मनुष्य शरीर ही, जिनमें साधन योनी है, कर्म नहीं, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख ना आवे, ऐसा प्रबंध इस शरीर में हो सकता है। और शरीरों में ऐसा प्रबंध करने का मौका नहीं है। गाय बड़ी उत्तम मानी गई, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, खुरों की रज्जु पवित्र होती है, परंतु वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकती ना। काय को समझाओ, क्या समझाओ, इतना पवित्र शरीर होते हुए भी कल्याण करने की ताकत वो नहीं है जो मनुष्य में है, अपना उद्धार करे। मनुष्य में कला को सीखना है, गाना बजाना सीखना है, विद्या सीखना, तरह तरह सीखनी है, पर सबसे मुख्य तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण मिट जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसा वो काम करो। अगर भगवान की कृपा की सिर्फ दृष्टि रखो तो महाराज इतनी इतनी चमत्कारी बातें हमारे उन्हीं की है, बहुत विलक्षण। भगवान एक ऐसी चमत्कारी कृपा करते हैं मैं कह नहीं सकता, इसी कृपा करते हैं, चेताते हैं, सावधान करते हैं, भक्त भक्त बड़ी सावधानी आती, बड़ी चेतना आती है एकदम। ब्रह्मा जी ने कहा है तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष माना, उस कृपा को हरदम देखता रहे, कृपा को बुंजान ये बात कृतम कृपा को, अपने देखा किया हुआ कर्म का फल भोगते रहो, पर कृपा की तरफ देखो तो क्या करो। उसमें नमस्ते भगवान को नमस्कार को शरीर से, वाणी से, मन से भगवान को नमस्कार करते रहो, भगवान को याद रखो, उसको याद करो कि हे नाथ और पुकारो उसको। ऐसे करता है वो मुक्ति प्रदेश अध्याय भाग, वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, उसकी मुक्ति करनी पड़ती है भगवान को, क्योंकि वो तैयार हो गया। वो तो इस तरह से अपने भगवान की कृपा देखो, कृपा से बहुत विलक्षण बात मिलती है, बड़ी अलौकिक बात मिलती है। हमने तो ऐसा देखा है कभी कभी, कभी कभी ख्याल आता है तो बहुत विचित्रता दिखती है, बहुत विचित्रता, बड़ी अलौकिकता है। हम सुख भोग हैं, वो सुख गधा को मिलता है, कुत्तों को मिलता है, ऊंट को मिलता है, नीचे नीचे सूर आदि जानवर उनको मिलता है। उस सुख में समय लगे, हमने गलती करी ना, भजन स्मरण करने का मौका कहां मिलता, देवताओं को नहीं मिलता है। सत्संग करके सत्य बात के तत्व निर्णय के लिए जानने के लिए मौका मिलता नहीं है देवताओं को, वो मौका हमारे को मिला हुआ है। रामायण में आया है कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, तो सबसे दुर्लभ मनुष्य नहीं, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सर असर जीव उसकी जाचना करे, मांगते रहते हैं, ऐसा मनुष्य शरीर है। वो दुर्लभ साल सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ साल सुलभता से मिला हुआ, अभी तो हमारे मिला हुआ है ही, तो बाकी क्या जोर आता है। तो इसका खर्चा करना है, इसमें सावधान रहे, उत्तम से उत्तम काम में लगाना, अगर ऐसे ही चला गया तो फिर दुख पाना पड़ेगा, और कुछ कुछ नहीं मिलेगा, है मौका है, चला गया चला गया। बचपन की बात बताऊं, रामायण में पढ़ता था
तो रामायण के पाठ करते विचार करते एक मन में आई थी, कई बार सरंग आई ऐसी कि गोस्वामी जी महाराज अगर होते तो उनसे हम सुनते रामायण, पर चलेगी क्या करें। अब वो कोई मिल थोड़ी सकते, बात बीत गई वो मिलती नहीं है, गया भक्त नहीं आवे दूसरी बारी आती नहीं भक्त, तो उसे हम सुनते पर क्या करें। ऐसी बात थी तो शेर जी थे भाई जी थे उस समय मेरे मन में आई है कि अभी इससे लाभ ले लेना चाहिए, अपने को अधिक से अधिक लाभ ले लेना है, पर क्या होगा। अब आज कोई चाहे कि शेर जी लाभ ले तो क्या हो, मेरे मन में कई कई बातें आती है, ऐसी बात पूछे तो किसने पूछे, सिवाय शेर जी की कोई उत्तर देने वाला हमारी दृष्टि में नहीं दिखता। मैं ठेका नहीं लू नहीं है ऐसा नहीं कहता हूँ, होगा संसार में बहुत होंगे ऐसे, परंतु हमारे दृष्टि में हमारे सामने नहीं है तो हमारे क्या काम आए, हमारे तो काम नहीं आते। तो जब परिचय है हमारे सामने है तब विशेष सावधानी से उसे लाभ ले लेना चाहिए, नहीं तो दुख पड़ेगा, क्या करोगे फिर। शेर जी की बात सुन करके एक दूसरे बड़ नीचे बैठे थे, दोपहर के समय जंगल में जा रहे थे, तो बैठे बैठे मेरे मन में आई शेर जी से प्रश्न किया कि शेर जी आप जो बात कहते हो वे बातें बहुत विलक्षण बात आती है, तो रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिनकी संप्रदाय में लाखों आदमी है, ऐसे संतों के ग्रंथों में भी जो बात नहीं बैठी ऐसी बात आपने कहाँ से सीखी, कहाँ से आई आपके पास, मैंने प्रश्न किया। अब जो कौन बताएगा, तो शेर जी ने कहा कि वेद व्यास जी से, ये उत्तर दिया उसका। वेद व्यास जी महाराज की वाणी में जो बात आती है वो हरेक आचार्य में नहीं आती है, उनके आंशिक आंशिक आती है। शेर जी उत्तर दिया वो ये कहाँ से लिया आपने, वेद व्यास जी से, तो ये बात मिली ना, उन्होंने लेकर के देखा और उन्होंने अपनी बात बताई कि इस विषय में मेरे को अगर चलना है तो इस विषय में कौन जानकार है अधिक, तो जो अधिक जानकार है उससे लाभ ले लू और उसको देख लो उसने लाभ कैसे लिया, वो कैसे बढ़ा, तो हम भी ऐसे बन जाए। फिर भी मेरे मन में आती थी ऐसे बचपन में ही, वो इसमें भी तेज बढ़ते अपने कैसे तेज बने, तो मन में आया भी जीवन मुक्त होते हैं ऐसे होते हैं, वो लाभ कैसे ले, तो अपने ले लें, किन से ले, कोई मिल जाए तो ले। ऐसी बात थी, तो ऐसा विचार किया आदमी ने कि हमारी जितनी सृष्टि अपने सामने सामने है इनमें क्या विलक्षणता किस में है, वो विलक्षण अपने खास लेनी है, ऐसी ले तो उस ले लिया, उसमें ऐसी बात हुई कि अपने सब ले लिया इतना, तो पहले इतिहास में हुए उनमें क्या विलक्षणता थी, किस किस में क्या विलक्षणता थी, अरे वो हम कैसे प्राप्त करें, पहले हुए दिन में क्या प्रकार थी, अगर ही क्या विलक्षण, अब आज वर्तमान में भी कोई विलक्षण है तो कैसे है, और उसमें क्या विलक्षणता है, और वो क्यों है, वो हम कैसे ले सकते हैं। दृष्टि मेरे थी, इस दृष्टि से विचार किया, गीता का अभ्यास किया, गीता अभ्यास तो ठीक करना है, व्यवहारिक हिसाब की बात, व्यवहार बढ़िया ही है ना, हिसाब हिसाब में प्रचार किया, हिसाब से वो तेज बने सबसे, तो सबसे तेज कैसे बने, तो अपने पढ़ाई करी, शेर जी कहते मैंने सीखा, सीखने बाद दुकानदारी करी, तो बोर्ड लिख कर दिया उस पर कि मैं पूछूं और वो बता दे तो 1 रुपया दूंगा, और अगला पूछे मैं न बता सकूं तो 1 रुपया दूंगा, लेने की बात नहीं, दोनों दे रहे थे शर्त देने की रखी, मैं पूछूं और वो बता दे तो 1 रुपया दूंगा, और वो पूछे मैं नहीं बता सकूंगा तो 1 रुपया दूंगा। देखिए पढ़ाई तेज कैसे है वे? तो मैंने पूछा महाराज आप 1 रुपया देना, काम पड़ा
कि मैंने पूछा और उसने बता दिया ये गुरु लगा इसमें, पर उसने पूछा और मैं नहीं बता सका ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा ही नहीं। संध्या करनी तो उत्तम संध्या करनी, उत्तम सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त से पहले, जिसमें उत्तम और मध्यम दोनों हो जाती है, कनिष्ठ नहीं हो जाए, नहीं होगा तो उपवास करेंगे। पूछा मैंने, उपवास करने काम पड़ा कि एक दो उपवास काम पड़ेगा, उम्र में जिसने विचार किया है उस दिन के बाद एक दो बार पाठ में लग गए हो गया, अस्त हो गया, तो ज्यादा काम नहीं पड़ा। ऐसे पक्का विचार करने पर आदमी का जीवन बहुत सफल होता है, श्रेष्ठ हो जाता है। अब कितना प्रदेश खोल दिया शेठ जी ने, तो कितना पुस्तकों से लाभ होता है, कितना सत्संग से लाभ होता है, कितना गीता से लाभ होता है, और कितना हुआ है और कितना होगा। बद्रीदास जी थे शेठ जी के मित्र, तो वहां आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम था। तो बद्रीदास जी कहते हैं मैंने पूछा कोई ज्यादा और बद्रीदास थे आपस में मित्रता करना ज्यादा। भगवान कृष्ण की लीला आती है उसमें ग्वाल बालों के साथ खेलते तो बात आती है, पर कभी नहीं कहते गीता पढ़ो, तुम से पढ़ा के गीता पढ़ो सत्संग करो, क्या बात। तो कृष्ण भगवान के साथ उनको करना क्या बाकी रहा, भगवान साथ उनसे तो करना कुछ बाकी नहीं रहा, फिर भी नहीं कहा तो तेरा हमें प्रसंग मिले मेरे क्या बाकी रहा बसा, तो मेरे को गीता पढ़ो और सत्संग करो और संध्या करो और बड़ी विष्णुदेव करो, मैं पीछे पढ़ा तू कृष्ण भगवान ने पढ़े ही नहीं, कभी आया ही नहीं वैसा, कभी तुम जब करो ये करो तब करो। तो शेर जी कहा तू सत्य कहता ठीक बात है, मैं इस बात कहता हूँ कि तुम करो तो ये एक रिवाज चल पड़े, तो अगर पीढ़ियां तक संध्या गायत्री हो सके, सत्संग हो सके, सद्भाव का प्रचार हो सके, ये प्रवाह बह जाए तो ये कई दिन चले, जैसे ठेला है सड़क पर चलता है ना, तो वो चलाते हैं जोर से, चला करके चट ऊपर चढ़ जाए तो बहुत देर तक चला जाए वो, ऐसे ये धक्का लगा दिया जाए तो कई दिन चलेगा, इस वास्ते ये लोग है पहले शेर जी ने कहा। तो देखो चलता है ना, अभी भी सत्संग भी चलता है, पुस्तक भी चलती है, नई भी छपती है, प्रसार होता है, तो लोग धक्का छोड़ दिया ना तो शेर चला गया, परंतु वो काम तो होता है ना। इस वास्ते कहता हूँ मैं कि इससे लाभ हो जाए, ऐसे कई कई विचित्र बातें हैं, तो उनसे भी सीखने की है कि अपने भी सीखे अपने भी ले। नारायण 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 सरो भाई।